ये वाली जो पूरी रेस्टोरेंट है ना, पहले यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था। आप जब भी यहाँ पर टेबल पर खाना खाने बैठोगे ना, आपके टेबल के बगल में यहाँ पर कब्रें होंगी, तो कब्र के बाजू में बैठकर है ना खाना खाना, ये अपने आप में एक थ्रिलर एक्सपीरियंस है। गाइस, आज के ब्लॉग में है ना, मैं आया हुआ हूँ अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर न्यू लकी रेस्टोरेंट में। वैसे मैं ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह के ब्लॉग्स तो आपको कभी दिखाता नहीं हूँ, लेकिन ये रेस्टोरेंट है ना बहुत ज्यादा यूनिक है। हम बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे इंडिया में ये एक ऐसी रेस्टोरेंट है जो रेस्टोरेंट बनाई गई है कब्रिस्तान के अंदर, या फिर कब्रिस्तान ये रेस्टोरेंट के अंदर है। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारी ऐसी कब्रें यहाँ पर रखी गई है रेस्टोरेंट के अंदर। आप जब भी यहाँ पर टेबल पर खाना खाने बैठोगे ना, आपके टेबल के बगल में यहाँ पर कब्रें होंगी, वो भी रियल की कब्रें। ये आप बाहर से भी देख सकते हो, यहाँ पर स्टार्टिंग में भी एक कब्र हमें यहाँ पर सामने देखने मिल रही है। तो ये वाला एक रेस्टोरेंट का ये एक पुराना पोर्शन है, ये रेस्टोरेंट पुरानी थी यहाँ से, लेकिन अभी फिर ये तरफ की जो आप पूरे रेस्टोरेंट देख रहे हो ना, ये रेस्टोरेंट है ना बाद में यहाँ पर और एक्सटेंड कर दी गई है, और वो तरफ भी बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं, और इन टोटल है ना ये रेस्टोरेंट के अंदर 26 कब्रें हैं। अभी मैं आपको, चलो ये अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से ये पूरा दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी देख सकते हो हम लोग है अभी ये रेस्टोरेंट के अंदर है। आप रेस्टोरेंट के आजू बाजू देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे रियल की यहाँ पर कब्रें रखी गई है, और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लोग है ना टेबल टेबल के बाजू में बैठकर खाना भी खा रहे हैं, और लोग यहाँ पर एंजॉय भी करते हैं वो चीज को। और यहाँ के लोगों को खाना खाते हुए ना ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है कि वो लोग एक रियल में कब्र के बगल में बैठकर खाना खा रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आया तो मुझे थोड़ी और फीलिंग आई, लेकिन बाद में मैं यहाँ पर पूरा कम्फर्टेबल हो चुका था। और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स भी है ना, वो ये कब्रे का बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, और ये रोज ये सुबह है ना ये कब्र को साफ करके वो लोग यहाँ पर फूल भी चढ़ाते हैं इसके ऊपर। ये देखो हम हमारे अभी टेबल पर बैठकर यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और हमारे बगल में यहाँ पर सारी कब्रें हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर है ना, ये तो ये रेस्टोरेंट की शुरुआत है ना करीब 1950s में हुई थी। यहाँ पर है ना जो कोलकाता से केएच मोहम्मद आए थे, वो अपनी है ना चाय की टपरी उन्होंने यहाँ पर लाल दरवाजे इलाके में लगाना शुरू की। वो टाइम पर है ना सूफी सेंट की एक 16th सेंचुरी के यहाँ पर रियल में कब्र थी, उसके बाजू में बगल में वो अपनी चाय की टपरी यहाँ पर लगाया करते थे। फिर वो चाय की टपरी उनके लिए है ना वो कब्र के बाजू में इतनी ज्यादा लकी हो गई कि वो आज जाकर बन चुकी है यहाँ पर न्यू लकी रेस्टोरेंट। अभी ये तरफ से मैं आपको लेकर चलता हूँ किचन की तरफ। ये किचन में भी है ना काफी सारी कब्रें हैं। तो ये देख सकते हो ये नीचे की तरफ भी है ना ये यहाँ पर कब्र रखी गई है, वो भी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और फिर ये मैं किचन का आपको एक बार लुक दे देता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ का ये मैसिव किचन है, यहाँ की है ना ये चाय और इसका बन मस्का पाव काफी ज्यादा फेमस होता है। ये तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर इनका है ना बन मस्का पाव है, ये भी काफी ज्यादा इनका यहाँ पर फेमस है। और फिर अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर ये रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बाहर से दिखाया था। और ये रेस्टोरेंट का ये तरफ का आप ओवरऑल लुक देख सकते हो। यहाँ पर ये वाले पार्ट में है ना सिर्फ स्टार्टिंग में वहां पर दो कब्र रखी गई है यहाँ पर, और बाकी सारी जो कब्रें आपने देखी वो उस तरफ है। तो इन टोटल है ना 26 टोटल कब्र यहाँ पर है। ये वाली जो पूरी रेस्टोरेंट है ना, पहले यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था, तो फिर वो कब्रिस्तान के वो लोग ने है ना एक्सटेंड करना स्टार्ट किया, और फिर शायद उसके ओनर के बीच में और फिर कब्रिस्तान वालों के बीच में ऐसा कुछ एग्रीमेंट भी हुआ था। मुझे यहाँ के लोग बता रहे थे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुकी है तो वो रेस्टोरेंट यहाँ पर चला सकते हैं, लेकिन वो लोग का एग्रीमेंट है कि यहाँ पर वो लोग कब्र को यहाँ से हटा नहीं सकते, वो उसके ऊपर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए देख सकते हो यहाँ पर वो कब्रें है ना, इसलिए ऐसे के ऐसे यहाँ पर रखी गई है। तो गाइस यही था ये ओवरऑल लुक ये लकी रेस्टोरेंट का। आपने भी देखा कितनी ज्यादा यूनिक रेस्टोरेंट है ये, और यहाँ पर डाइनिंग करने का खाना खाने का एक्सपीरियंस भी है ना एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा मजा भी आता है। ऐसा अजीब जैसा लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन मैं खुद कंफर्टेबल हो गया था थोड़ी देर बाद। मैंने देखा कि यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा भीड़ भी लगी रहती है, लाइन लगी रहती है होटल के अंदर खाना खाने के लिए, और अहमदाबाद के लोग है ना काफी ज्यादा ये होटल को पसंद भी करते हैं। और ये होटल है ना लोकेटेड है यहाँ पर लाल दरवाजा इलाके में अहमदाबाद में, और मैं भी है ना आपको हाईली रेकमेंड करूंगा यहाँ पर है ना एक बार विजिट जरूर करना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर अहमदाबाद में इंडिया में ही मिलेगा। और वहाँ के जो स्टाफ थे ना वो मुझे ये भी बता रहे थे कि यहाँ पर है ना लोग है ना बहुत सारी ऐसे मन्नतें भी मांगते हैं ये कब्र पे, और वो बोलते हैं कि उनके लिए ये कब्रें है ना लकी भी साबित होती है। वाली चीज तो है ना मिथ है या फैक्ट है तो वो तो मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। आई होप आपको ये यूनिक चीज देख के अच्छा लगा होगा, और ये
वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो बस अभी ये वाला ब्लॉग भी है ना यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल द टाइम।